Today, my dear students, we are going to start with the Herbert process. Okay, so the Herbert's problem. अच्छा जी, हैबर प्रोसेस जो है, व्हाट इज द हैबर प्रोसेस? हैबर जो है ये ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट, ये जर्मन साइंटिस्ट था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका की जर्मन के साथ जो है वो लड़ाई हुई थी, तो उस वक्त जर्मन के ऊपर जितने भी ये एलाइज थे सारे, इंग्लैंड, अमेरिका, बाकी सारे लोग, उन्होंने अटैक किया था। तो उस वक्त ये जो हैबर है, इसका पूरा नाम फिट्स हैबर था। इसकी ड्यूटी लगी थी कि यार किसी तरीके से जल्दी से जो एक्सप्लोजिव है उनको बनाने का तरीका ढूंढो। तो हैबर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने एक्सप्लोजिव बनाने का तरीका सबसे पहले डिस्कवर किया था। और याद रखो कि अमोनिया इज द स्टार्टिंग मटीरियल फॉर एनी एक्सप्लोजिव। दुनिया में जितनी भी एक्सप्लोजिव चीजें बनती हैं, टीएनटी, टीएनपी, कोई भी एक्सप्लोजिव चीज हो, उनका स्टार्टिंग मटेरियल नॉर्मली अमोनिया होता है जी। तो हैबर ने फिर इसको तरीके को डिस्कवर किया उस वक्त सबसे पहले, तो उसको आज भी उसी के नाम से हम लोग हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। और ये फास्टेस्ट मेथड है टू मेक द अमोनिया। ठीक है जी। अच्छा जी, हैबर्स प्रोसेस जो है इसमें होता क्या, इसकी इक्वेशन क्या होती है देखने, N2+ CH2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है एंड यू विल गेट अमोनिया। और ये जो रिएक्शन है इसकी डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव में होती है। इसमें आयरन दैट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, और आयरन के साथ थोड़ा सा आयरन ऑक्साइड हम लोग डाल देते हैं। ठीक है जी, आयरन ऑक्साइड। ठीक है जी, दिस आयरन ऑक्साइड ये क्यों यूज होता है इसको मैं समझाता हूँ। इसमें 450 से 500 डिग्री सेल्सियस दैट इज द टेम्परेचर, और 200 से 300 एटीएम माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज द प्रेशर, ये प्रेशर होता है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का जो है वो हैबर्स प्रोसेस है। ठीक है जी, हैबर्स प्रोसेस जो है इसमें क्या क्या चीजें आपको एज अ रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल्स का मतलब ऐसी चीजें जिन्होंने इसमें इस्तेमाल होने हैं जी, दोज आर कॉल्ड एज द रॉ मटेरियल्स। ओके, सो व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर द हैबर्स प्रोसेस? तो पहली चीज तो आपको नाइट्रोजन चाहिए होती है, और नाइट्रोजन माय डियर स्टूडेंट्स कीप रिमेंबर ये कहां से आती है, नाइट्रोजन आपकी एयर से आती है। अगर आप एयर की कंपोजिशन देखें तो एयर में जो नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है। ठीक है जी, तो हम लोग क्या करते हैं कि एयर की पहले लिक्विड एयर को ठंडा करके लिक्विड बनाते हैं, लिक्विफाइड करते हैं, और उसके बाद उस लिक्विड एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो कलेक्ट होती है -196 डिग्री सेल्सियस पे। तो नाइट्रोजन कहां से आती है, बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, दिस इज अबाउट द नाइट्रोजन। उसके बाद दूसरी चीज जो आपको चाहिए होती है मेरे बच्चों, वो होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये कहां से आती है, हमारी एयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस और वाटर वेपर शामिल होते हैं, हाइड्रोजन नहीं होती। सो इफ यू पीपल वांट द हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहां से आती है, आप लोगों की एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल यानी पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये सारी चीजें, दीज आर एक्चुअली द लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन की लंबी लंबी चेन्स होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको क्रैक करते हैं, तोड़ते हैं इनको। ठीक है जी, तो जब इनको तोड़ते हैं तो यहां से हाइड्रोजन जो है वो हमें गेन होती है। तो हाइड्रोजन कहां से आती है, बाय द क्रैकिंग ऑफ क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल का मतलब जो है, मैंने आपको बताया कि जो जमीन से वो ऑयल निकलता है उसके लिए हम लोग क्रूड ऑयल का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। तो ये दो चीजें आपको जो है वो चाहिए होती हैं एज अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इज एक्चुअली एनी सब्सटेंस दैट इज बीइंग यूज्ड इन द रिएक्शन। यहां पे आयरन
जो है वो रॉ मटेरियल नहीं है। क्यों? क्योंकि आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट है, तो आयरन जो है दैट इज एक्चुअली द कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट होता है। और कैटलिस्ट का काम मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि कैटलिस्ट का फंक्शन होता है कि इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है जी, उसके बाद अगली चीज पे चलते हैं। दूसरी चीज आपका यहाँ पे आयरन ऑक्साइड यूज हो रहा है, तो ये आयरन ऑक्साइड जो है ये प्रमोटर होता है, इसको प्रमोटर कहते हैं। ये प्रमोटर जो है ये तुम लोग समझ लो कि ये कैटलिस्ट का कैटलिस्ट है, यानी कैटलिस्ट के फंक्शन को एनहांस करने के लिए जो है वो हम लोग उसमें प्रमोटर डाल देते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग अगर गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए जाएं तो पेट्रोल कई दफा वो कहता है यार इसमें हाई ऑक्टेन डलवा लो, हाई ऑक्टेन होता वो भी पेट्रोल है लेकिन वो ज्यादा अच्छा पेट्रोल है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो ये प्रमोटर जो है ये कैटलिस्ट नहीं है, लेकिन ये कैटलिस्ट के साथ मिलके कैटलिस्ट के फंक्शन को एनहांस कर देता है, असल काम ये आयरन ही करता है, लेकिन ये आयरन ऑक्साइड जो है वो साथ डाल देंगे थोड़ा सा तो ये उसके फंक्शन को एनहांस कर देगा, इसको हम लोग प्रमोटर कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जो टेम्परेचर यहाँ पे यूज होता है, ये हमारे पास कंडीशन है विच आर यूज इन द हैबर्स प्रोसेस। दूसरी चीज हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 450 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है जी। प्लीज इससे कम मत लिखिएगा और इससे ज्यादा मत लिखिएगा, यानी 450 से कम मत लिखें और 500 से ज्यादा मत लिखें। अगर आपको भूल गया तो खुदा के लिए गलत मत लिख दीजिएगा, वहां पे सिर्फ वर्ड हाई टेम्परेचर लिखे और छोड़ दीजिएगा, उस तरस खा के वो नंबर दे सकता है। लेकिन अगर तुमने लिख दिया जी टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तो उसमें डायरेक्ट फिर क्रॉस मारना है, उसके नंबर काट देने। ठीक है, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर लिखा होगा तो कोई तरस खाने वाला होगा, कहेगा यार चलो इसने हाई टेम्परेचर तो लिख दिया ना, नंबर दे दो। वैसे मैं बता रहा हूँ। और अगली चीज हम लोगों ने प्रेशर जो इसमें रखा हुआ है मेरे बच्चों, दैट इज 200 to 300 atm, सो दिस इज द प्रेशर वी आर गोइंग टू यूज। ठीक है जी, सो दीज आर द कंडीशंस विच आर यूज फॉर द हैबर्स प्रोसेस। ठीक है जी, अच्छा जी आगे चलते हैं। अब ये हैबर प्रोसेस को हम लोग जो है वो जरा तफसील के साथ पढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं ये एक फ्लो चार्ट डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ और इसके डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो मैं आप लोगों को डिक्टेट करवा दूंगा साथ। ठीक है जी, तो ये फ्लो चार्ट डायग्राम है, सिर्फ आप लोगों के समझने के लिए होती है फ्लो चार्ट डायग्राम, इसको ध्यान से सुनते रहिएगा। ये कैसे अमोनिया बनती है ये मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाएं, बाद में मैं समझाता जाऊंगा आपको।
चलिए जी, अब इसको सुनते जाइएगा जरा गौर से, उसके बाद मैं इसकी पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों को डिक्टेट करवा रहा हूँ जी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लुक अप हियर, दिस इज अ फ्लो चार्ट डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल हैव टू टेक द नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस इन अ रेशियो ऑफ 1:3। इक्वेशन में देखें तो 1:3 है, तो यहाँ पे ये जो रेशियो लेंगे ये वॉल्यूम की रेशियो लेंगे। वॉल्यूम का मतलब इफ यू टेक 1 dm³ ऑफ नाइट्रोजन यू शुड टेक 3 dm³ ऑफ हाइड्रोजन। dm³ का मतलब आप समझ लें लीटर, कि अगर 1 लीटर तुम लोगों ने नाइट्रोजन लिया है तो आपको 3 लीटर हाइड्रोजन लेनी है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये इस रेशियो से लेनी है। अगर 100 dm³ 100 लीटर नाइट्रोजन लिया है तो 300 लीटर आपको हाइड्रोजन लेनी है, तो दोनों की जो रेशियो है वो 1:3 होनी चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम के लिहाज से ये गैसेस हैं। अब ये गैसेस के पार्टिकल्स तुम लोगों को पता है कि एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। ठीक है जी, तो अब वो जो दूर दूर पार्टिकल्स हैं उनको हम लोगों ने एक दूसरे के क्लोज लेके आना है, ताकि वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकें, टकरा सकें और रिएक्शन शुरू किया जा सके। तो उसके लिए मेरे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको एक कंप्रेसर में डाल देते हैं। कंप्रेसर में पिस्टन लगा होता है, इधर देखो पिस्टन, पिस्टन उनको दबा के एक दूसरे के पास पास ले आता है, ताकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो गैस हैं उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ सके और उनमें रिएक्शन को स्टार्ट किया जा सके। उसके बाद ये जो कंप्रेस्ड गैसेस होती हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इन दोनों गैसेस को हम लोग जो है वो पाइप के जरिए लेके जाते हैं एक चेंबर में, जिसको हम कहते हैं कैटालिटिक चेंबर। दिस इज द कैटालिटिक चेंबर। ठीक है जी, सो दिस कैटालिटिक चेम्बर गॉट द बेड्स, ये इसके पास बेड्स हैं किस चीज के, आयरन और आयरन ऑक्साइड के। ठीक है, आयरन एंड आयरन ऑक्साइड इसके पास जो है वो इसके बेड्स हैं। 450 to 500 डिग्री सेल्सियस दैट इज द टेम्परेचर, और 200 से 300 atm जो है ये प्रेशर है इस कैटालिटिक चैम्बर के अंदर। ठीक है जी, अच्छा अब ये तीनों कंडीशंस जो है ये क्या क्या करती हैं, इसको गौर से सुनते जाएं। सबसे पहले यहां पे देखिए जी, पहले टेम्परेचर, ये देखिए ये जो रिएक्शन है डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है, तो बैकवर्ड क्या होगा, एंडो। एंडो। आप लोगों को मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन में बताया था, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडो की तरफ पीछे की तरफ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे तो एक्सो की तरफ जाएगा। तो हमें अमोनिया बनानी है, ठीक है, अमोनिया की अमाउंट ज्यादा करनी है, अमोनिया की यील्ड आपको चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, एक्सो की तरफ ले जाओ। एक्सो का मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो, ताकि इस तरफ कोई इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाए और ये चीज ज्यादा बन जाए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है भाई, टेम्परेचर कम करेंगे तो अमोनिया ज्यादा बनेगी। हमने तो टेम्परेचर अच्छा खासा दबा के रखा हुआ है, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी क्या वजह है, इसकी वजह बहुत सिंपल है कि नो डाउट लो टेम्परेचर के ऊपर अमोनिया ज्यादा बनती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अमोनिया बनती तो ज्यादा है लेकिन बनती बहुत स्लो है। बंदा 3 साल तक बैठे हुआ देखता रहे, भाई बन जा बन जा, बन रही है लेकिन स्लो बन गई है। बनेगी ज्यादा लो टेम्परेचर पे, अमोनिया की अमाउंट ज्यादा बनेगी लेकिन बनेगी भाई बड़ी देर के बाद। तो फिर हम लोग कहते हैं यार भाई ऐसी चीज नहीं चाहिए जो होगी बड़ी देर के बाद बने, हमें जल्दी चाहिए, क्योंकि जंग तो अभी लगी हुई है। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, टेम्परेचर हाई कर देते हैं। हाई टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, अमोनिया की यील्ड कम हो जाती है, अमोनिया कम बनती है लेकिन बन जल्दी जाती है। ठीक है, तो थोड़ी बने लेकिन बन जल्दी जाए, इसीलिए टेम्परेचर हमने ज्यादा रखा। ठीक है, तो इसका जो पहला पॉइंट है मेरे बच्चों वो लिख लो, वो क्या होगा कि एट लो टेम्परेचर द यील्ड ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लोअर। ठीक है जी, उसके बाद अगली चीज पे आते हैं, एट हाई टेम्परेचर
यील्ड ऑफ अमोनिया इज लेस, यील्ड का मतलब इसकी अमाउंट कम बनती है, बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टर। ठीक है बच्चों, अगली चीज पे चलते हैं जी। दूसरी कंडीशन पे आ गए। दूसरी कंडीशन आपकी जो है वो ये आयरन है, तो आयरन जो है ये कैटलिस्ट होता है, और कैटलिस्ट का काम आपको पता है क्या होता है, रिएक्शन की रेट को ज्यादा करना बाय लोडिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पे लिखते हैं अगला पॉइंट, आयरन विथ आयरन ऑक्साइड एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट एंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। जो कैटलिस्ट होता है वो किसी भी चीज की यील्ड पे कोई फर्क नहीं डालता। यील्ड का मतलब कि अमाउंट पे फर्क नहीं डालेगा। ये नहीं होगा कि अमोनिया ज्यादा बनेगी, नहीं, अमोनिया उतनी बनेगी लेकिन बन जल्दी जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन को ये फास्टर कर देता है। ठीक है जी। द यील्ड द कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, और यील्ड ऑफ अमोनिया इट ओनली इंक्रीजेस द स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अगली चीज पे आ जाओ। अगली चीज आ जाए प्रेशर पे। प्रेशर आपने लिया हुआ है 200 से 300 ATM। प्रेशर की बढ़ाने से मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम किस तरफ को शिफ्ट होता है, जिधर गैसेस के बहुत कम मोल्स होते हैं, तो इस तरफ को गैसेस के 3 और 1 चार, चार मोल्स हैं इस तरफ। ये चीज गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है, और इधर गैसेस के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। तो प्रेशर के बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उस साइड पे शिफ्ट होता है जिधर गैसेस के कम मोल्स होते हैं बच्चों। तो कम मोल्स आपके जो है वो इस तरफ है, राइट हैंड साइड पे, योर इक्विलिब्रियम वुड शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड, इस साइड पे जो है वो शिफ्ट होगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ हेयर, यू हैव टू लिसन इट केयरफुली, कि प्रेशर से अमोनिया ज्यादा बनता है, बड़ी अच्छी बात है। तो प्रेशर अगर हम 600 ATM करते हैं तो अमोनिया और ज्यादा बनेगा, तो हमने यहाँ पे फिर 600 ATM क्यों नहीं किया। उसकी बहुत वजह यह है कि 600 ATM प्रेशर भाई जब अप्लाई करना है तो उसके लिए आपकी फ्यूल कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, और दूसरा इतना प्रेशर जब मशीनरी के ऊपर पड़ेगा तो वो फट भी सकती है, तो उसके अंदर जो पुर्जे हैं वो टूट फूट भी सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने उतना प्रेशर जो है वो रखा हुआ है कि जिसपे मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ द मशीनरी और फ्यूल कॉस्ट जो है वो ज्यादा एक्सीड ना करे। तो इसीलिए मेरे बच्चों हम लोगों ने ऑप्टिमम प्रेशर जो है वो रखा हुआ है जी। ठीक है। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द राइट हैंड साइड एज इट कंटेन्स लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। वी हैव नॉट टेकन 600 ATM प्रेशर एज
विल कॉस्ट अस मोर फ्यूल एंड मेंटेनेंस चार्जेस और मशीनरी, ठीक है। सो दैट इज वाई वी हैव टेकन ऑप्टिमम प्रेशर, ठीक है बच्चों। ओके माय डियर, अब ये जो तीन कंडीशंस कैटालिटिक चेकअप में दी हुई है इसको गौर से देखो, इसमें सिर्फ आपके पास 15% अमोनिया बनती है, 15% अमोनिया, बाकी जो 85% आपकी चीजें हैं वो स्टिल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की फॉर्म है, ठीक है जी। यानी बहुत कम अमोनिया बनती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से, आपको पता है इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ शिफ्ट होता है, अमोनिया कम बनती है, प्रेशर की वजह से आगे की तरफ जाता है, और कैटलिस्ट तो वैसे ही स्पीड को बढ़ाता है, यील्ड को ज्यादा नहीं करता, तो सिर्फ 15% अमोनिया बनती है, बाकी 85% चीजें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की फॉर्म में है। अब ये जो तीनों गैसेस का मिक्सचर है, अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनको पाइप के जरिए पास करके हम लोग ले आते हैं एक कंडेंसर में। कंडेंसर एक तरह का फ्रीजर होता है, समझे, उसमें हमने टेम्परेचर सेट कर दिया होता है कि जैसे ही ये तीनों गैसेस अंदर आएंगी तो अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट जहां पे होता है, जहां पे वो लिक्विड बन सकती है, वहां पे टेम्परेचर हम लोगों ने फिक्स कर दिया हुआ है। तो वो जैसे ही अमोनिया अंदर एंटर होती है वो लिक्विफाइड हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में जो है वो आ जाती है, ठीक है। और जो बाकी आपकी वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है, वो गैसियस फॉर्म में रहती है क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। तो अमोनिया जो बनी है वो लिक्विड बन गई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक पाइप के जरिए दोबारा से लेके जाते हैं कैटालिटिक चैम्बर में, फिर 15% अमोनिया बनती है, कंडेंसर में से लेके जाते हैं, वो अमोनिया सेपरेट हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती है, फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है उनको, फिर तो ये साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू थोड़ी थोड़ी अमोनिया बनती है लेकिन बन जल्दी जाती है, और यहां से हम लोग साथ साथ अमोनिया निकालते चले जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वो रूल अपनाते हैं, अमोनिया इसकी कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हैं, बाहर निकालते जा रहे हैं इसको, जब बाहर निकालते जाएंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम उस साइड में शिफ्ट होगा जिधर कोई चीज जो है वो कम हुई है, तो इस तरफ कोई इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो बाय साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है जी, लेस अमाउंट ऑफ बाय साइक्लिक प्रोसेस द गैसेस आर साइकल्ड अगेन एंड अगेन एंड वी सेपरेट द अमोनिया, ठीक है जी, बाय लिक्विफाइंग इट, ठीक है जी। उसको मुझे लिखना है, काम में लिखूं, ये रख कर दूं फिर। अंडर ऑल द अबव कंडीशंस ओनली 15% ऑफ अमोनिया इज फॉर्म, ठीक है जी, विच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय लिक्विफाइंग इट इन अ कंडेंसर एंड द गैसेस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर टेकन बैक इन कैटालिटिक चैम्बर वेयर दे फॉर्म अमोनिया अगेन, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं अमोनिया के आप लोगों को यूजेस लिखवा रहा हूँ, डिक्टेट करवा रहा हूँ, अमोनिया के यूजेस क्या क्या होते हैं वो लिख रहे हैं जरा, कि कहाँ कहाँ पे यूज होती है, यूजेस ऑफ अमोनिया,
तो सबसे पहला इसका यूज ये होता है मेरे बच्चों कि अमोनिया जो होती है इट इज यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। और फर्टिलाइजर्स में आपको पहले भी बता चुका हूं जिस चीज में एनपीके आ जाए, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम आ जाए, यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। दूसरा पॉइंट लिखें, अमोनिया इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। सर रिपीट करेंगे। अमोनिया इज यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट टू क्लीन ओवन्स। आप लोगों ने देखा होगा घरों में जो चूल्हे होते हैं उनके ऊपर वो ब्लैक कलर की कार्बन लग जाती है, तो उनके ऊपर वो स्प्रे एक आता है वो मारते हैं, उसमें अमोनिया होती है, तो वो अमोनिया जो है वो उस ब्लैक कलर की चीज को डिजोल्व करके और वो स्टोव को साफ कर देती है जी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, अमोनिया इज अ वीक एल्कली एंड इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है बेटा जिस तरह कार बैटरी में वो जो लिक्विड चीज पड़ी होती है इलेक्ट्रोलाइट, इसी तरह ये भी जो है ना डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एज इलेक्ट्रोलाइट जो है वो यूज होती है। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।